शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे नरेंद्र, तुम आ गए? मानना पड़ेगा, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। प्रतिभा, तुम्हें देख के तो फ्लैट हो जाएगी। आज ओकेशन ही कुछ ऐसा है। पता, आज ही के दिन 4 साल पहले मैंने प्रतिभा को प्रपोज किया था, तो तैयार होना तो बनता ही है। और इसलिए हमने सोचा कि नरेंद्र का बेस्ट फ्रेंड और प्रतिभा की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर पार्टी करी जाए। अरे वाह, चलो आज अंदर आओ। चलो। अरे वाह, क्या बात है यार। ओहो, कैंडल, बैलून, अरे केक भी है। अरे केक छोड़, बॉटल भी है। लगता है प्रतिभा ने पहले से सारी तैयारी करके रखी है। ओ हेलो मैडम, पिछले 2 घंटों से मेकअप और सजने संवरने में लगी हैं। ये सारी तैयारियां तो मैंने की है तुम्हारे होने वाली पत्नी की तरफ से। अरे अरे अरे, अरे, अरे मैडम, क्या नरेंद्र उसका बॉयफ्रेंड है? कि पति पत्नी वाली बात बीच में कहां से आ गई है? ठीक तो कह रही, भले अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। भाई साहब, यार ये क्या शादी वादी की बातें कर रहे हो? मैं आपको देखो यार, यार ये तुम्हारी उम्र है शादी करने की? यार बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, मौज मस्ती करो, दोस्ती करो। दोस्ती करो बिल्कुल वैसे जैसे हर हफ्ते तू नई लड़की से दोस्ती करता है। हाँ। यार ये सब बातें बातें छोड़ो तुम। हाँ भाई, हीरो यहाँ पे है, हीरो का दोस्त यहाँ पे है, हीरोइन की भी दोस्त यहाँ पे है। हीरोइन की सीन में एंट्री कब होगी भाई? कहाँ है प्रतिभा मैडम? वाओ, अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अशोक, ये क्या तरीका है? यार मैं तो बस तुम्हें एक फ्रेंडली हक दे रहा था, और कुछ नहीं। बस फ्रेंडली उसके साथ हुआ करो जो तुम्हारे साथ फ्रेंडली होना पसंद करे। अरे बस 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 बस, बस अभी हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज हम बस सेलिब्रेट करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज से 4 साल पहले जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो गिफ्ट में तुमने मुझे हाँ कहा था। बज गई घंटी। मैम, योर ऑर्डर। तू ना जबरदस्ती उसको छेड़ा कर, है ना? बस ला, मैं अंदर रख देती हूँ। थैंक यू। मैम, क्या आप ये एक फीडबैक फॉर्म भर देंगे? यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए और आपको हमारी सर्विस कैसे लगी उसे रेट कर दीजिए। मैं आपके लिए 5-स्टार रेटिंग करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रतिभा, तुम सच में आज बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो कि मैं खूबसूरत हूँ?
कहीं तुम उन बिजनेसमैन की तरह मुझे ट्रीट तो नहीं करोगे जो अपनी बीवी को ट्रॉफी समझते हैं और अलमीरा में सजा के रखते हैं। तो तुम्हें ट्रॉफी तो तुम हो, वो ट्रॉफी जिसे मैंने प्यार में दी प्रतिभा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं अलमारी में नहीं बल्कि अपने दिल में सजा के रखूंगा। मिस्टर नरेन, क्या ये बात तुमने अपनी माँ से कही है? वो मुझे एक नजर देखना पसंद नहीं करती, हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करेंगी? प्रतिभा तुम चिंता क्यों करती हो? देखो हर माँ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वो ठीक नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ प्रतिभा? प्रतिभा क्या हुआ? प्रतिभा क्या हुआ? रहेगा? हाँ, अभी अभी कोई घर में अंदर आए थे क्या? नहीं, ना तो कोई नहीं आया था। और नरेन चला गया क्या? प्रतिभा प्रतिभा क्या कर रही हो तुम? देखो हमारे अलावा कोई नहीं है घर पे, तुम्हें वहम हुआ है, तुमने खामखा मेघा को भी डरा दिया। मेघा तुम दरवाजा बिना बंद करे सो गई थी क्या? नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद किया था। प्रतिभा हाँ कोई नहीं है। प्रतिभा ऐसी दरवाजा खुला रह गया होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ जरूर हमें देखने की कोई कोशिश कर रहा था, मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। प्रतिभा मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, देखो कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? देखो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, कोई देख रहा है, लेकिन असल में हमारा वहम होता है। हाँ प्रतिभा ये तुम्हारा वहम होगा, अगर घर में कोई आया होता या बाहर गया होता तो मुझे जरूर पता चलता। टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई थी, लेकिन इतनी गहरी नींद में नहीं थी कि कोई आए और चला जाए और मुझे पता भी ना चले। चलो चले आ जाओ। भाभी कहाँ रुक गई, क्या सोचने लग गई हो? चलो चलो चलो। अरे क्या अशोक, अशोक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 3 घंटे पहले निकल चुके थे, फिर तुम घर के अंदर से बाहर कैसे आए? क्या मतलब है घर के अंदर से बाहर? 3 घंटे पहले निकला जरूर था, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर मेरी बाइक खराब हो गई और बाइक रिपेयर कराने में थोड़ा वक्त लग गया। मैंने सोचा नरेंद्र को पिकअप करता चलूं, लेकिन यहाँ आया दरवाजा खुला हुआ था, अंदर कोई नहीं था। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम ही थे ना जो हमें चुपके से देख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या कर रही हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? नरेंद्र समझाओ इसको यार, तुम तो जानती हो मेरी बाइक बार बार बिगड़ जाती है। मैंने सोचा फिजूली तुम्हें रिक्शा पकड़ के घर आना पड़ेगा, तो क्यों ना तुम्हें पिकअप करता चलू यार। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खामखा मेरे पे पता नहीं क्या इल्जाम लगाना चाहती है। और प्रतिभा तुम्हें अगर यकीन नहीं होता है ना तो तुम चलो मेरे साथ उस मैकेनिक के पास जिसके साथ मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ। चलो अशोक 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 यार प्रतिभा को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी है ना? देखो प्रतिभा तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, अशोक ऐसा नहीं कर सकता। मेघा तुम दोनों अंदर जाओ, अशोक मुझे घर ड्रॉप कर देगा। हुँ?
काश के तो ताजमहल होती, संगमरमर जैसे तेरे जिस्म को छूने का हमें मौका तो मिलता। हेलो, कौन बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज भी उतनी ही हॉट है जितनी हॉट तुम खुद हो। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज सुनकर मजा आ गया। बस सुबह सुबह तुम दिख भी जाओ तो मेरा दिन बन जाए। कौन बोल रहे हो? बस यही तो प्रॉब्लम है कि तुम समझ नहीं पाती कि कौन बोल रहा है। मगर इतना जान लो, जो बोल रहा है वो तुम्हारे हुस्न का सच्चा कदरदान है। बेसब्र क्यों हो रही हो मुझे जानने के लिए? चलो बहुत जल्द तुम्हारी ये कंप्लेंट भी मैं दूर कर दूंगा। हेलो हेलो हेलो, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली नॉट रीचेबल। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये किसका फोन है? पता नहीं किसका कॉल था, उसने अपना नाम नहीं बताया और अभी मैं कॉल कर रही हूँ तो उसका नंबर बंद जा रहा है। पता नहीं, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि मुझ पे कोई नजर बनाए हुए है। और ये पता नहीं कौन लड़का था, बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था। अगर ऐसा है तो हमें तो पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। मैं नरेंद्र से बात करती हूँ, हम दोनों पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन फाइल कराते। नहीं नहीं प्रतिभा, तुम नरेंद्र को मत बताओ। अगर नरेंद्र की मम्मी को पता चल जाएगा ना तो खामखा वो नाराज हो जाएंगी तेरे पे। ऐसे किसी समय चाहे गुनहगार लड़का हो, बदनामी हमेशा लड़की की होती है। और आगे वो लड़का कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है ना, तो देखते हैं क्या करना है। बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू। अरे रुक 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 भाई, यार तुम्हें हमने यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के, हमें चाय पे इनवाइट भी नहीं करोगे? यार तू तो जानता है ना, कल तेरे और प्रतिभा के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे वो नाराज है। लेकिन तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वाह, बड़े बेआबरू हो गए हम तेरे कूचे से निकले। हेलो, लाखों लड़कियां देखी मगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत आज तक कोई नहीं मिली। सर से लेके पांव तक तुम कयामत हो। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार रहा। वाह, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा, यही दोस्ती यही प्यार यही तमन्ना। ये तुम्हें शेर और शायरी का शौक कब से लग गया? अरे आशिक मिजाज आदमी है प्रतिभा जी, शेर और शायरी तुम्हारी नस नस में बसती है। मुझे बराबर पता है कि तुम किस तरह के घटिया आदमी हो, शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए। अरे यार नरेंद्र कमाल है, शेर और शायरी करने वाले कब से घटिया आदमी हो गए भाई, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अशोक ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी। ओ मैडम बस करो, नरेंद्र समझा ले अपने गर्लफ्रेंड को। माना कि तेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है, उसके आगे पीछे लड़के दुम हिलाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी इंसल्ट करे, समझे? नरेंद्र तुम नहीं जानते ये कितना घटिया आदमी है। मैडम घटिया किसको बोल रही हो तुम? अरे अरे बस 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 शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ दोनों, प्लीज शांत हो जाओ यार। अब ना तुम कुछ बोलोगे ना तुम कुछ बोलोगी। अशोक यार आई एम सॉरी, तुम जा, मैं कल मिलता हूँ और तुम चलो मेरे साथ, चलो बाय। हॉट हॉट कॉफी फॉर माय हॉट हॉट लव। प्रतिभा एक बात बताऊं, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम अपने दोस्त अशोक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करते। तुम जानते नहीं हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्रतिभा ऐसा भी क्या कर दिया उसने, एक शायरी ही तो कही थी। शायरी? तुम जानते हो आज सुबह मुझे अननोन नंबर से कॉल आया, वो भी मुझे फोन पे घटिया शायरी सुना रहा था। मुझे अशोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड आई एम श्योर आज सुबह जो मुझे कॉल आया था ना वो अशोक ने किया होगा। प्रतिभा मैं अशोक को बचपन से जानता हूँ, फ्लर्टी उसका नेचर है लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने उसे कह दिया कि कुछ दिन तुम्हारे सामने ना, तो वो नहीं आएगा। और रही बात उस फोन करने वाले लड़के की, अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि हर जवान लड़का तुम्हें देखकर आंखें भरता है। अब इतनी खूबसूरत होने की थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अगर अब वो दोबारा तुम्हें फोन करता ना तो मुझे बताना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे।
मिस्टर, अभी फिलहाल आप मुझे तो छोड़ो। मैंने मेजरमेंट्स भेज दिए प्रोडक्शन हाउस को, तुम फॉलोअप लेते रहना। डिजाइन्स ठीक ही है। हेलो, कब से फोन लगा रहा हूँ, कब से तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे भूल गई? ताजमहल संगमरमर। हाँ सही पहचाना, तुम्हारा आशिक। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी कुछ बेहतरीन तस्वीरें निकाली है, तुम्हें भी मैंने सेंड की, देखते हैं दोनों की पसंद मैच होती है या नहीं। कौन बोल रहे हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे तुम तो बहुत बेसब्र हो मुझसे मिलने के लिए, तड़प तो मेरी भी कम नहीं तुमसे मिलने के लिए। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से वो सारी तस्वीरें देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी। तस्वीरों में तुम्हारी फिगर देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ, बस अब एक ही इच्छा है, मैं बेहद करीब से देखूं। देखो अगर ये मजाक है ना, तो तुमको ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा। हेलो हेलो, ये फोटोज ये सारी तस्वीरें तो हमारे बंगले के सामने से खींची हुई प्रतिभा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी है हमारे आसपास का ही है। चलो पक्का यकीन है कि कोई और नहीं बल्कि ये अशोक है। तुम्हारी बात सच हो सकती है प्रतिभा, मैं अशोक को कॉलेज की दिनों से जानती हूँ, एक नंबर का फ्लर्ट था, लड़कियों पे गलत नजर रखता था, मगर हमेशा सबसे मीठी मीठी बातें करके बच के निकल जाता था। उस लड़के की आवाज और उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमती है। मुझे लगता है हमें नरेंद्र को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर ये सब कुछ अशोक कर रहा है तो मैंने नरेंद्र से कहा था, उसको अपने दोस्त पे जरूरत से ज्यादा भरोसा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो कमरे में कपड़े बदलने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि अब तो मुझ पे कोई 24 घंटे नजर रखे हुए। ज्यादा पैसे की लालच में ही तो मैं तेज तेज भाग रहा था, और उसमें आप बीच में आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत फास्ट जा रहा था। गलती मेरी है, मुझे अपनी लालच कम करनी होगी। काश के तू ताजमहल होती, संगे मरमर जैसे तेरे जिस्म को छूने का हमें मौका तो मिलता। तस्वीर तुम्हारी खूबसूरती कैद नहीं कर सकती, क्या चीज हो तुम, एक मुलाकात से तुम मन नहीं भरा।
आंटी आप कब आई? खुश रहो। आई चलिए अंदर आई। अरे नरेन तुमने बताया नहीं आंटी आने वाली है, मैं खाने पीने की तैयारियां करके रखती। होने वाली बहू के घर हमेशा अचानक ही आना चाहिए। अगर होने वाली बहू को जरा भी भनक लग गई ना कि होने वाली सास आने वाली है तो सारी तैयारी करके रखेगी, मगर अचानक आ जाने से बहू के असली स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। अब बैठिए ना आंटी, मैं प्रतिभा को बुलाकर लाती हूँ। अब बिना हद करते स्टेशन से सीधा यहाँ आने की क्या जरूरत है, पहले घर चलती, फ्रेश हो जाती, आराम करती, फिर आ जाते यहाँ। क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, बचपन से तेरे पास आने वाली हर चीज को 100 बार टटोल कर देखने की आदत है मुझे, और ये तो जीवन भर के लिए किसी के हवाले करने की बात है। जैसा आपको ठीक लगे माँ। अरे आंटी जी आप अचानक से, ये क्या है, तुम ऐसे ही बाहर चली आई? अरे दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? अरे ये मैं तो भूलूं कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। आंटी जी आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कम से कम कपड़े तो पहन के आती, ऐसे कपड़े में बाहर आ गई। आंटी जी प्लीज, मैं घर पे इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। ये कपड़ा पहनना कहते हैं? नरेंद्र कुछ कहते नहीं तुम? अरे परिवार के लोग ऐसे कपड़े में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आंटी जी कपड़े लोगों के हिसाब से नहीं, मौसम के हिसाब से पहनना चाहिए। लीजिए आंटी गर्मा गर्म चाय। अरे वाह बेटा, आप सफर से थक कर आई होंगी ना, अब बैठिए चाय पीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। तुम कितनी सुशील और संस्कारी हो, वरना आजकल तुम जैसी लड़कियां कहाँ मिलती है जो बड़ों की आदर कर सके, सेवा कर सके, बात मान सके। सचमुच वो परिवार बहुत ही खुशनसीब होगा जिस परिवार में तुम बहू बनकर जाओगी। अरे माँ मैं तो आपको बताना ही भूल गया, एक्चुअली प्रतिभा को अभी अभी बहुत बड़ा मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की ब्रांड है, प्रतिभा उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनेगी, है ना? बेटा शादी ना रंग रूप देकर नहीं बल्कि संस्कार और गुण देख के करना चाहिए। माँ ये क्या तरीका था प्रतिभा से बात करने का? वाह बेटा बात करने का तरीका माँ का ही नजर आया तुम्हें, उस लड़की के नचड़े पर ध्यान नहीं गया तुम्हारा? प्रतिभा ने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया, वो दिल्ली शहर की लड़की है, हाँ शहर की लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अब ये भी तो देखिए वो अपने घर में है, पर ऐसे मौसम में उसे जो ठीक लगा उसने पहन लिया। ये दिल्ली है बेटा, लोगों की नियत मौसम देख के नहीं बिगड़ती। यहाँ उस लड़की के बहकावे में आकर तुम भी बदल चुके हो, आखिर उस लड़की में तुम्हें क्या ऐसा अच्छा लग गया जो उसके दीवाने बने फिरते हो? हाँ वो अच्छी लड़की है, हाँ थोड़ी मॉडर्न है, करियर ओरिएंटेड है, हाँ उसकी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन से तुम्हें सही और गलत की फर्क नहीं है, अगर होती तो तुम मेघा जैसी लड़की पसंद करते। हाँ अभी क्या बात कर रही है, कहाँ मेघा कहाँ मैं, हम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। माँ आप नहीं समझे, आइए घर चलते हैं, आइए। देख तू मेरी बात तो मानेगा नहीं, लेकिन आंटी जो कुछ भी कह रही है ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, आखिर यार उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। नहीं यार अशोक बात एक्सपीरियंस की नहीं है, सोच की है। माँ तो चाहती है कि मैं किसी गांव वाले सीधी साधी लड़की से शादी कर लूं। यार यार आंटी सही तो कह रही है, अब देख
ज्वेलरी शोरूम में डिस्प्ले पीस में रखा हुआ हीरो का हार चमचमाता जरूर है और उस पर सबकी नजर भी रहती है, लेकिन दोस्त असली गहना तो तिजोरी में होता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम अशोक? मैं जानता हूँ तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रतिभा के बारे में ऐसी बातें करोगे। बहुत जल्द तुम इस लड़की की वजह से बहुत बुरे फंसने वाले हो। क्या हुआ प्रतिभा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? सुबह सुबह जो आंटी ने हरकत की उसके बाद तुम क्या उम्मीद कर सकती हो? सचमुच आज आंटी ने हद कर दी। कितने पुराने ख्यालात की हैं वो औरत, और सोच कितनी घटिया है उनकी। ऐसी बात नहीं है प्रतिभा, आंटी जुबान की तीखी जरूर है लेकिन दिल की बहुत साफ है, और वैसे भी सास भी किसी को अच्छी मिली है क्या? हाँ तुम तो बड़ी आसानी से कह सकती हो, अगर आंटी तुम्हारी सास होती ना तब पता चलता। तुम हेलो, कैसी हो जाने मन? आज तो सारा दिन तुम्हारे पीछे ही था, अगर तुमने एक नजर भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। तुम आगे आगे चलती रही और मैं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हें पता भी नहीं चला डार्लिंग। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्या कर रहे थे? हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके दिखाओ। पिज़्ज़ा? अरे हाँ, एक्चुअली मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, सारा दिन काम करते करते थक गई थी तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे नहीं नहीं मैम, मुझे कोई टिप नहीं चाहिए, आपके इस चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप है। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, देखा तुमने, तुम्हारी खूबसूरती का रंग तो हर किसी के मन पर चढ़ जाता है। ये देख, देखो ये देख, ये किस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, और मेरी जरा से हेल्दी फ्लर्टिंग पर मुझे इस तरह बेइज्जत कर देती है, खुद क्या क्या डाल रही है यार ये देखो। अरे ये तो कई साल पहले की फोटो है, कॉलेज की, जब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली थी उसने तब की। भाई ये सोशल मीडिया पे कोई भी देख सकता है, और तू कंफर्टेबल है? अशोक खराबी तस्वीरों में नहीं, सोच में। इसकी सोच छोटी होती है ना, वो साड़ी पहने हुई लड़की को भी बुरी नजर से देख लेता है। अरे यार नरेंद्र भाई देख, मैं तेरा दोस्त हूँ और तू समझ इस बात को, मैं तेरे को एक सलाह दूंगा कि इस लड़की से दूर रहे, नहीं तो ये तेरे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। अशोक अगर अच्छी बात है तो तू भी मुझसे दूर रहा कर, कहीं मेरी वजह से तू भी मुसीबत में ना फंस जाए। पागल हो रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें इस पिक से 3-4 नए कॉन्टेक्ट तो मिल ही जाएंगे। कौन सी पिक से? मैं तो काफी टाइम से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। क्या बात कर रही, ये देखो नरेंद्र, ये काफी पुरानी पिक्स हैं, ये मैंने अपलोड नहीं की है। कैसे और किसने की ये सब माँ को पता चलेगा तो? ये तुमने अपलोड नहीं की है तो किसने की है? यार ये बेचारी लड़की के साथ ये करके क्या मिलेगा तुझे? ढेर सारा मजा और पैसा।
पैसा? पैसा कौन देगा तुझे ये करने का? वही जिसके इशारे पर मैं ये सब कर रहा हूँ। अब क्या करने वाले हो तुम उस लड़की के साथ? अब इस लड़की के साथ हम वही करेंगे जो जाल में फंसी हुई मछली के साथ करते हैं। प्रतिभा, कहाँ हो तुम? किस तरह के बकुदा तस्वीरों की नुमाइश है? इस तरह के शौक पालने वाली लड़कियों को समाज में क्या कहते हैं पता है तुम्हें? माँ, प्लीज माँ, बस कीजिए आप। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये फोटोज गलती से सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई हैं। तो बोला है तू बेटा, अरे तू अब तक इस लड़की को समझ नहीं पाया, पर मैं बहुत अच्छी तरह से इसे पहचान चुकी हूँ। मैं खूब जानती हूँ इस तरह की लड़कियाँ इस तरह की हरकतें क्यों करती है। अरे हमारे जान पहचान वाले पता नहीं कितने लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी होगी इसकी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ आप भी ना। प्रतिभा, देखिए मैं प्रतिभा को पिछले 2 साल से जानती हूँ। वो दिल की बहुत अच्छी है, माना कि थोड़ी सी मॉडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कैरेक्टर पर कोई दाग है। और नरेंद्र भी तो उसे बहुत प्यार करता है ना। बेटी तुम भी बहुत भोली हो, सीधी सादी, बिल्कुल हमारे बेटे नरेंद्र की तरह। लेकिन जिस दिन तुम दोनों को इस लड़की की सच्चाई पता चलेगी ना, मेरी तरह तुम दोनों भी सर पे हाथ रख के रोओगे। डार्लिंग, आज मैं तुम्हारी सुबह इतनी रंगीन बना दूंगा कि तुम हमेशा के लिए मुझे याद रखोगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो भेजूंगा जिसे देखने के लिए तुम्हारे लाखों दीवाने बेसब्र हैं। लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूं, इसलिए तुम्हारी वो वीडियो सबसे पहले मैंने देखी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र करो। मैं फोन काटता हूँ, अब तक तुम अपनी वीडियो एंजॉय करो। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये वीडियो तुम किसी को मत दिखाना, यही कहना चाहती हो ना? डोंट वरी डार्लिंग, नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। मगर तेरी एक छोटी सी शर्त, तुम्हारी उस जवानी का मुझे एक बार मजा उठाने दो। बस एक रात मेरे साथ गुजारो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ तुम्हारी ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां भी मिटा दूंगा। और डोंट वरी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे मैंने पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ किया है। और तुम्हें इतना बता दूं प्रतिभा कि हमेशा मजा दोनों को आया है। Thank you.
प्रतिभा, अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया तो सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। और नरेंद्र की माँ, जो पहले ही तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम नरेंद्र के साथ शादी करो। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। मुझे लगता है मुझे नरेंद्र और पुलिस को सब बता देना चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस को बताने से क्या होगा, बदनामी और बात ज्यादा आगे बढ़ी तो पुलिस केस और फिर कोर्ट केस। और पता है ना ऐसे केसेस में कैसे लड़कियों की इज्जत उछाली जाती है। तो फिर मैं क्या करूं मेगा? उस लड़के की बात मान। हाँ प्रतिभा, हम जैसे लाचार लड़कियों के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ तुम उस लड़के की बात मान लो और खत्म करो ये परेशानी, क्योंकि तुम्हारे और उस लड़की के बीच में जो कुछ भी होगा इस घर के चार दीवारी के अंदर ही कैद होगा। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो नरेंद्र के साथ साथ तुम्हारा करियर, तुम्हारा घर, सब कुछ एक साथ छूट जाएगा। इज्जत से जीना चाहती हो तो इज्जत दांव पे लगानी पड़ेगी। ओह गॉड, शायद वो आ गया। तुम? अच्छा लगा ना? अरे वाह, कहा था ना मैम, इस डिलीवरी में दोनों का फायदा है। ग्राहक की भूख भी मिट जाती है और हमें अच्छी खासी टिप भी मिल जाती है। तुम अपनी बकवास ना बंद करो, जो करने आया हो करो और फटाफट निकलो यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अंदर कैमरा लगा दिया है। आज उसकी वो हालत करना जिसके बाद नरेंद्र उसके मुंह पे थूके भी ना। जल्दी से अपने कपड़े उतार डालें। इस पल का ना जाने मैंने कितने दिनों से इंतजार किया है। अरे तुम्हारी वीडियो तो मैंने 100 बार देखी है, अब अपना ये शर्माने का नाटक कर चुका।
अरे सर मैंने कुछ सर मैं बस एक सामने अरे सर मैंने कुछ किया नहीं डॉक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे नहीं चाहिए इसे और इसको ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करने का सोचे भी नहीं ये तो अच्छा हुआ प्रतिभा ने पहले मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतिभा तुम फिक्र मत करो माने तो उसे कर इस बार उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा सर मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब मैं तो बस एक मामूली से आदमी हूं मैंने जो कुछ भी किया वो इस मैडम के कहने पर किया नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है मैं भला अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करूंगी हाँ मैं प्यार करती थी आपके बेटे से लेकिन वो मुझे देखता तक नहीं था इसने छोटे छोटे कपड़े पहन के फंसा लिया उसको अपने हुस्न के जाल में बचपन से तुम्हें सही और गलत की फर्क नहीं है अगर होती तो तुम मेघा जैसी लड़की पसंद करते कहां मेघा कहां मैं हम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है क्या हम जैसे सीधी सादी लड़कियों को कोई लड़का नहीं मिल सकता इसलिए मैंने सोचा जिस खूबसूरत चिश्त के जरिए इसने मेरा नरेंद्र छीना है ना मैं उस चिश्त को सबके सामने खोल के रख दूंगी नरेंद्र कभी उसकी तरफ देखे नहीं और आप भी तो यही चाहती थी ना आंटी इंस्पेक्टर साहब इससे पहले कि मेरा हाथ उड़ जाए इसे यहाँ से ले जाइए आप उसे सोचा भी नहीं था कि इतने मासूम और भले भाले चेहरे के पीछे खूंखार क्रिमिनल होगा दोस्त नहीं दोस्त के नाम पे कलंक छोड़ो मुझे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब मैं सच बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया माफ कर दो सही और गलत के फर्क नहीं कि मैं मम्मी जी सॉरी अशोक दोस्ती का एक उसूल है मैडम नो सॉरी नो थैंक यू प्रतिभा प्रतिभा तुम जैसी हो ना वैसे ही रहना इस समाज के कुछ लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का तरीका जीने का तरीका कभी बदलना मत बदलना तो उन लोगों को पड़ेगा जो तुम जैसी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़कियों के प्रति अपनी गंदी सोच रखते हैं आंटी जी शहनाई बजवा दो अब